वेलकम बैक दोस्तों, सोमनाथ फोटोग्राफी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं फिर से लेके आ गया कैलेंडर टाइप मॉक पीएचडी टेम्पलेट, जो कि आपका वैलेंटाइन डे से एनिवर्सरी है या फिर आप किसी भी डेट वाइज कोई भी पीएचडी टेम्पलेट मॉक आप बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो ये बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। तो इसके अंदर आपको कैसे कैसे पीएचडी टेम्पलेट मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो कुछ इस तरह से आपको पीएचडी टेम्पलेट मिलने वाला है, बहुत ही बेहतरीन पीएचडी टेम्पलेट है, ठीक है। जनवरी से लेके दिसंबर तक आपको कम्प्लीटली पीएचडी टेम्पलेट मिल रहा है, और इसे किस तरह से इस्तेमाल करना है ये आपको पहले देखना होगा, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो वीडियो कम्प्लीटली देखिए, इसके अंदर पासवर्ड भी रहेगा। पासवर्ड आप मुझसे पूछा मत कीजिए, क्योंकि वीडियो डिस्क्रिप्शन में कुछ भी लिखा नहीं रहता है, खाली आपका डाउनलोड लिंक रहता है, और वीडियो जब देखेंगे वीडियो के स्क्रीन में आपको पासवर्ड ऑलरेडी शो हो जाता है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इसको डाउनलोड करेंगे मात्र 6.61 MB का फाइल है, बहुत ही छोटा MB का फाइल है, तुरंत डाउनलोड हो जाता है। जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे 24.2 MB का आपका फाइल दिखाई देता है। ओके, तो मैं फोटोशॉप CC14 निकाल के रख दिया, और यहाँ से मैं एक पीएचडी टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे फरवरी महीना का कोई पीएचडी टेम्पलेट ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। कोई भी टेम्पलेट आप निकाल के कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे एक टेम्पलेट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। आप इसको आपको समझा भी दूंगा किस तरह से आपको इसको हैंडल करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है। ओके, तो इसको मैं फिल करूंगा, वो तो मैं बाद में दिखाऊंगा, पहले आप इसको समझ लीजिए। यहाँ पे जो पीएचडी टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है ये फुल्ली कस्टमाइज है, इसमें आप नाम किसी भी टाइप का नाम आप टाइप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे आपका डेट वाइज किया गया है, और ये जो रेड कलर का आपको हार्ट शेप दिखाई दे रहा है ये आप चेंज कर सकते हैं आपका डेट के अकॉर्डिंग। ओके, तो मान लीजिए फरवरी महीने में किसी का बर्थडे है, या फिर किसी का एनिवर्सरी है, या फिर वैलेंटाइंस डे है। जैसे वैलेंटाइंस डे आपका 14 फरवरी आता है, तो इसको आप क्लिक करके यहाँ से लेके यहाँ पे लेके आ सकते हैं। ओके, बहुत ही आसानी से इस तरह से लेके आ सकते हैं। ओके, अगर मान लीजिए किसी का जन्मदिन फरवरी में 10th February है, ओके, तो ये इसको आपको क्लिक करके आपको यहाँ पे लेके आना है। तो आपको ये मार्किंग के लिए मैंने ये डाल के रखा है, तो सभी पीएचडी के अंदर आपका ये चीज मौजूद है। ओके, तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और फोटो फिल करने के लिए आप मैनुअली भी फिल कर सकते हैं, या फिर आप मेरा जो डार्क मैजिक जो सॉफ्टवेयर है इसकी मदद से भी मैं फिल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डार्क मैजिक एक्सप्रेस का इस्तेमाल करूंगा, जो कि आपका जो डार्क मैजिक अभी तक आपने नहीं देखे होंगे, तो यहाँ पे देखिए आई बटन में आपको एक लिंक शो हो रहा होगा, इसको क्लिक करके कंप्लीट वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारा फीचर्स है, आप बाखूबी इसके अंदर बहुत सारा कुछ काम कर सकते हैं एकदम आसानी से। इसके अंदर पीएचडी टेम्पलेट बना भी सकते हैं। ये जितना भी टेम्पलेट मैं फ्री में देता हूँ वो सारा टेम्पलेट इसी के अंदर से बनता है। ओके, तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। अब मान लीजिए यहाँ पे आपका फ्रेम है जो हार्ट शेप है, इसको सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे ऑटो फिल में क्लिक करना है। जब भी आप क्लिक करेंगे आपके पास फोल्डर आएगा, या फिर आप डेस्कटॉप में भी फोटो आपका रखा हुआ है वहां से भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ से फोटोज के अंदर से जाता हूँ, और यहाँ पे एक फोटो दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो मैंने डबल क्लिक कर दिया, अब ये देख सकते हैं आपका ऑटोमेटिकली ये फोटो आपका इसके अंदर इंसर्ट हो गया है, और ये देखने में भी बहुत ही कूल लग रहा है, ठीक है। ये आजकल बहुत ही ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो जो भी आप इसमें काम कर सकते हैं इसको आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ओके, तो इस तरह से आपका काम करना है। और यहाँ पे मैं वैलेंटाइंस डे का कुछ 2-3 पीएचडी टेम्पलेट मैंने डाल के रखा है, जैसे ये वाला टेम्पलेट, ये वाला टेम्पलेट, ये तो आप यहाँ पे मान लीजिए मैं यहाँ पे डार्क थीम वाला भी एक डार्क फैंटेसी वाला भी टेम्पलेट यहाँ पे डाल के रखा हूँ। तो मैं यहाँ पे व्हाइट वाला आपको दिखा देता हूँ इस तरह से करना है, या फिर आपका डार्क वाला भी है, चलो ये वाला दिखा देते हैं। ये भी आपका इसके अंदर फ्री में आता है, ये आराम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी आपका कस्टमाइज है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे ऑटो फिल में क्लिक करता हूँ। तो फोटो मांगेगा, फोटो आपको देना है जहाँ पे आपको फोटो मौजूद है, आप वहां से जाके फोटो दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाला फोटो मुझे देना है, इसको डबल क्लिक कर दिया। सो गाइस, देख सकते हैं बहुत ही आराम से ये फोटो इसके अंदर इंसर्ट हो गया, और देखने में देखिए बहुत ही कूल लग रहा है। इसे मैं आपको जूम करके भी आपको दिखा देता हूँ, एकदम कम्प्लीटली इसका क्लियरिटी देखिए आपका, बहुत ही बेहतरीन टेम्पलेट है। ओके, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, ये टेम्पलेट भी आपको अच्छा लगा,
तो इसी तरह के टेम्पलेट और भी आपको अगर चाहिए तो जल्दी से मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना एकदम मत भूलिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आप टाइपिंग आपका कोई भी टाइपिंग करके आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका जो पासवर्ड है दोस्तों यहाँ पे देखिए शो हो रहा है, पासवर्ड लिख लीजिए कैलेंडर, सभी स्मॉल लेटर में है कैलेंडर, ये पासवर्ड है। तो उम्मीद करते हैं पासवर्ड आप पूछेंगे नहीं। यहाँ पे पासवर्ड हर वीडियो में मैं पासवर्ड शो करवा देता हूँ, आप खाली वीडियो कंप्लीट देखिए तो आपको पसंद आ जाएगा, मतलब आपको पासवर्ड जरूर मिल जाता है। ओके, तो चलिए इसको किस तरह से डाउनलोड करते हैं वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो भी सिंपल सा तरीका है, जैसे हर टेम्पलेट आप डाउनलोड करते हैं उसी तरह से, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरा न्यू जो मेरा व्यूअर है उन लोगों को पता नहीं किस तरह से करना है, इसलिए मैं दिखा देता हूँ। ओके गाइस, तो चलिए डाउनलोड कैसे करते हैं दिखा देते हैं। सो गाइस, जब आप इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, उसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको एक पेज खुलेगा। ठीक है, वहां पे आपको इस तरह से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए डाउनलोड हेयर बोल के लिखा है, ये आपका डाउनलोड लिंक है। और यहाँ पे नीचे में डार्क मैजिक उसके बारे में मैंने डिटेल्स में बता के रखा है, आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो डाउनलोड लिंक है यहाँ पे देखिए डाउनलोड हेयर बोल के लिखा है, इसको जब भी आप क्लिक करेंगे तो दूसरा एक पेज खुलेगा और वहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका गूगल ड्राइव का लिंक है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना, आपको पता ही है किस तरह से डाउनलोड करते हैं। ओके गाइस, इसको दबाएंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए, दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। और इस तरह से और भी लेटेस्ट टाइप का टेम्पलेट अगर आपको चाहिए सब्सक्राइब करना एकदम मत भूलिए। तो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।